वो सेंटर पे है, सेंटर में सेंटर पे ये नहीं, उसका सेंटर नहीं है। बस 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 परफेक्ट सर, सेट फ्रॉम हियर भाई। मुगले आजम जब रिलीज हुई थी तब पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैं बहुत छोटा था, मैं करीब 8-9 साल का रहा हूँ तब देखी थी। आई एम एक्साइटेड अबाउट एनी थिंग एंड एवरी थिंग विच हैज टू डू विद के आसिफ। आई एम फैसिनेटेड विद दिस ह्यूमन बींग and I am a biggest fan of K. Asif and I love this human being and I don't have words to express the kind of person he was. So what do you think makes Mughlai Azam relevant in, even in today's time? I think his passion, the way he looked at the story and the way, the kind of passion with which he made the film. It will be evergreen forever. तो दिलीप साहब सबके यू नो एक्टर्स के भगवान हैं एंड दिलीप साहब को ऊपर वाला सही सलामत रखे। एंड दिलीप साहब जैसे इंसानों को हमारी उम्र लग जाए, वो अब भी इस वक्त भी काम कर रहे होते तो हमें बहुत अच्छा लगता। दिलीप साहब के लिए क्या मतलब, उन जैसा स्टार कभी हुआ नहीं और शायद होना मुश्किल है। नो आई डोंट थिंक इट कुड बी मेड। इस तरह की ख्याल सोचना भी नहीं चाहिए, इस तरह के विचार गंदे विचार हैं, क्योंकि जो एक चीज़ शाकार जो बन चुकी है उसको छेड़ना नहीं चाहिए, वो अपने आप में कंप्लीट है और उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो तो जब मुगले आजम बन रही थी, इतने सालों में जब बनी, उसके बीच में उनके राइटर्स और उनके कई टीम के लोगों ने वैसी फिल्म उसी स्टोरी में फिल्में बना दी और क्या से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा बनाने दो, हमारी फिल्म आएगी जब आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि वो उस तरह के रीमेक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फिल्म जो है वो अपनी जगह पे है और अपनी जगह पे रहेगी अटल। जी यार मौका लगेगा ज़रूर आएंगे, इच्छा रहती है, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिला जिसमें कि इतना समय गुजार सके, इतना समय दे सके। अगर कहीं मिलेगा ऐसा प्रोजेक्ट तो ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। कि मज़ा आएगा एंड यू नो के आसिफ का शाहकार है, उसके ऊपर प्ले बना रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ऐ दिल है मुश्किल को मेरी शुभकामनाएं, उसकी मुश्किलें ख़त्म हो और सबको थोड़ी समझ आए। मुझे बहुत खुशी है कि मुगले आजम का स्टेज वर्जन आज बना है और मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेज का प्रेजेंटेशन भी उतना ही अच्छा होगा जितना वो फिल्म में था। ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैंने देखा नहीं है अभी तक। यही कह सकता हूँ कि मेरी शुभकामनाएं मेरी ही नहीं, मेरे सारे परिवार की और मेरे दादा की भी इस स्टेज शो के साथ भी रहेंगी। आपको लगता है सर इस फिल्म का रीमेक बन सकता है? नहीं बन सकता है। दिलीप कुमार कहाँ से लाएंगे, मधुबाला कहाँ से लाएंगे और मुगले आजम पृथ्वीराज कपूर कहाँ से लाएंगे फिर से? वैसे ग्रेट फिल्म, very glad to be associated with through my grandfather with this film and I that is my I'm here today and my best wishes is for this upcoming event. Sir, aajkal har jagah ae dil mushkil ki controversy ki baat ho rahi hai. Sir, pehle photo chala hiya sir, ab ikde are 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 sir 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 पहले तो सबको आदाब अर्ज है, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल।
बाकी पूछ क्या मेमोरीज हैं। एक तो मैं ये फिल्म का जो एक ही लाइन बाबा को मैं हमेशा दिलीप साहब हमारे बॉस उनको हमेशा ये बात हवा बोलता हूँ कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे अनारकली। तो ये लाइन मेरा एक भेजे में बड़ा हुआ है बड़ो। और दूसरा एक बहुत भारी लाइन था बॉस एक को फूल दिए जाते हैं और एक को कांटे। तो जिनको कांटे देते वो बोलते कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता, कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता बड़ो फूल रख ले। यस आप इधर आइए इधर आइए ना उधर देखने के बाद कैमरा इधर इधर आइए हाँ नीचे बैठ अब बोलिए देखिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये प्ले देखने क्योंकि मैं अपने दादा की याद ताज़ा करना चाहता हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये एक ओरिजिनल होगा कोई नकलबाजी नहीं होगी और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे ये मौका दिया गया देखने के लिए। सो घंटी बजने वाली शुरू होने वाला है मुझे जाने दीजिए बहुत लोग हैं थैंक यू। चल कम हाँ गुड इवनिंग We'll have to look up Jadu. Yeah. Well, I remember 5th of August 1960 when I had seen this picture in Bharat Talkies Bhopal. I was 15 years old. And now, I mean, I don't remember how many times I've seen the film. I remember the script almost by heart. And it is, believe me, this script should be taught in MA Urdu literature. It's okay. So good. Well, what could be earlier than 5th of August 1960? Then the picture was released. I remember I was in pre-university. I just entered the college. So this is the first time a movie has been converted to a play, a musical play. What are your expectations and what was your first reaction when you... Well, I have great respect for Firoz Abbas Khan. He's a very fine director and whatever so far he has done is exceptionally good. And I'm sure that he must have done a great job. Well, I've had the privilege of working with Firoz Abbas Khan in a play called Tumhari Amrita, which has run for 22 years before, sadly, Farooq Sheikh passed away. And I know that whatever Firoz touches is excellent. I have great expectations. I'm also very proud of the fact that he has got international collaborators here and that finally we have something that I think will herald a new path in what Indian theatre has to offer. Thank you. Sir, ma'am, we can't let you go on without asking you about the current scenario for creative people in India. What is it like at the moment? Because it's a very tense situation. We see that Edilam Murphy is facing the brand. At the moment, it's not a tense situation. We are going to see a wonderful play. Okay, thank you. राइट
Well, my earliest memories are my father started his career with this film, Mughal-e-Azam. I mean, this film perhaps has been seeped into our systems, me and my entire family, and thanks to me, even into her system, into all my children. You know, everybody has been hearing of Mughal-e-Azam. We've been constantly hearing from my father all what happened. Why don't you come here? Or and then even when it re-released, when it was colorized, I mean, I did my bit even then. I wanted to be part of it just for the sake of my father's involvement in this film. I always thought it was something which belongs to me like it belongs to everybody today. And more so to me because right from our childhood we've been hearing about how the war scenes were shot, how the romantic sets were put up and what kind of dignitaries. And then, you know, sometimes the ad film, the premiere film which was being telecasted at times on Doordarshan whenever they showed Mughal-e-Azam or on the net when we get to see, I'm always eager to see my father there, always eager to see the kind of, you know, opulence, the way they had staged the premiere then. That's the reason when the film was re-released, we tried to create the same ambience. The print had come on the elephant. The whole film looked far more magnificent in the in color. The sound was new. I mean, the entire music was redone in stereo. And we hope to see the same kind of effect, you know, today on stage. In fact, we've been looking forward. We are looking forward to see this and enjoy as we've enjoyed the film. Relive the moments right from our childhood to now and hope to carry it for the next generation too. Shirini, ma'am, anything you want to say about, you know, your memory? What special because my dearest and favorite friend Manish Malhotra has done made costumes for this play and I'm really, really excited to see the play. And also, one more question. We've been hearing a lot of news reports about bombs, about the production. We are here for this, so let's stick to this. Okay? Thank you. सरकार है भाई सर टाइमलेस सागा के बारे में क्या कहना चाहेंगे मुगल-ए-आजम जब अभी ये फिरोज खान का तो पहले मैं फिरोज खान का तो पहले मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनके सभी प्लेज बहुत ही ब्रिलियंट है जब से मैंने उनका पहला मैंने उनका जो पहला प्ले देखा था रॉयल हंट ऑफ द सन उसके बाद एवरीथिंग इज गुड स्पेशली महात्मा वर्सेस गांधी एंड मुगल-ए-आजम अभी कर रहे हैं देखेंगे अच्छा ही होगा इतना बड़ा सागा है दिलीप कुमार पृथ्वीराज कपूर मधुबाला यहाँ नहीं स्टेज पे लेकिन
we'll see who's how they've done it now. काफी बड़े थे पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट में देखा देखी फिल्म हम फिर कलर में की थी फिल्म फिर वापस जाकर देखी बड़े पर्दे पर देखी डीवीडी पे देखी टीवी पे देखी तो बहुत बार देख चुके हैं इसलिए एक्सपेक्टेशंस आर हाई या थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू I'm going to talk in English. मैं बैंगलोर से हूँ तो हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा बात करूँगी तो मैं स्टेज ट्रेनिंग से हूँ तो मेरा बैकग्राउंड क्लासिकल डांस में है भरतनाट्यम में है एंड एज आई हैव ग्रोन अप आई हैव सीन प्यार किया तो ऑन टेलीविजन आई हैव डांस टू द ट्यून्स एंड घर में जो भी आते थे तो उनको फ्री परफॉर्मेंस होता था यू नो सो वेदर दे लाइक इट और नॉट आई वुड स्टार्ट डांसिंग प्यार किया तो डरना क्या लिटिल डिड आई नो दैट इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर आई ग्रो अप आई विल बी कोरियोग्राफिंग फॉर दी मुगले आजम सो वेन दिस अपॉर्चुनिटी केम टू मी तो देर वर टू रिएक्शंस एक मन में बहुत डर था कि एक्सपेक्टेशन लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना बड़ा है क्योंकि ये फिल्म ही आइकॉनिक है और इतना क्लासिक आइकॉनिक फिल्म मुझे 2 मंथ्स में तैयार करना था तो इतना प्रेशर था कि मैंने सोचा शुड आई डू दिस और नॉट एंड दूसरा अटेम्प्ट कथक डांस जो कोरियोग्राफी किया है लच्छू महाराज ने इट्स ब्रिलियंट तो घराना तो बिरजू महाराज शंभू महाराज लच्छू महाराज उनके घराने से है तो मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ एंड इंडियन कंटेम्प्रेरी डांसर हूँ तो कंसिडरिंग दैट आई रियली थॉट वेदर आई शुड टेक दिस प्रोजेक्ट ऑन और नॉट यू नो आई वॉज रियली वंडरिंग बट माई एक्सपीरियंस इन स्टेज मेरा स्टेज पे जो प्रोडक्शंस बहुत किया है हमने मिस्टर बच्चन के लिए किया है मोदी जी के लिए किया है हैनोवर में तो बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शंस किया है तो इसीलिए हमने मुझे मुगले आजम के लिए बुलाया गया और जब बुलाया गया तो मन ही मन में यू नो इट वॉज लड्डू फूट रहे थे आई वॉज लाइक वाव यू नो अपॉर्चुनिटी हो तो ऐसा हो एंड सेकेंडली आई हैड टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन तो स्टेज के लिए मैंने कैसा अडेप्ट किया सॉन्ग को वॉज दैट आई डिड नॉट ट्राई टू इमिटेट व्हाट आई डिड वॉज फ्रॉम माई हार्ट मेरे मन को जो अच्छा लगा है मैं यूजुअली हर दिन सुबह 5 बजे को उठती हूँ और MS सुबलक्ष्मी की सुप्रभातम सुनती हूँ तो वो मुगले आजम के गाने में रिप्लेस हो गए तो हर दिन 5 बजे उठकर प्यार किया तो डरना क्या सुन रही थी मैं और वो सुन के मैंने जो इंट्यूटिवली कोरियोग्राफ करने के लिए यू नो व्हाटएवर आई फेल्ट दैट हैज कम आउट ऑन स्टेज Oh my god, thank you. But no, acting no, I'm very much a choreographer and then a dancer. But choreography, yes, bahut hi interest hai. Any films that you have choreographed? I have choreographed Mirzia, which is with Rakesh Om Prakash Mehra. And there are a lot of upcoming projects, but I can't reveal them as of now. Okay.
सो अभी तो फिलहाल अटेंशन मुगले आजम में दीजिए और मुगले आजम के लिए हमने ये एक्सक्लूसिव टीम तैयार किया है. तो पहली बार आई थिंक क्लासिकल डांस इज गोइंग एज अ ब्रॉडवे फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन. तो म्यूजिकल में प्योर क्लासिकल डांस पहली बार इट्स बीइंग यूज्ड. So the attention totally should be on Mughal Azam. Thank you so much. Thank you. What are your earliest memories of Mughal Azam? Like I said, as a kid, I would watch Pyar Kiya To Darna Kya, especially wo line, Chup Na Sakega Ishq Hamara, Charo Taraf Hai Unka Ishara. So I would keep turning, you know. I would wear any skirt which is with a little bit of flair and I would keep turning. And I've done that on, every time it would rain, I would run to the street and do. Or every time it guests would come home, I would say, please sit down and I would have a free presentation. So isliye my mom got bugged. She said, nahi, isko dance karna hai. And she sent me to, you know, Bharatnatyam classes. So that is the inspiration that Mughal Azam has given us. So whether it is in sets, whether it is in music, whether it is in the entire visuals of it, dance is also a huge, huge inspiration. So Mughal Azam has created many such Mayuris, I think, across the country. Thank you. Thank you. Sir, look here. Sir, everybody's got it. Thank you, sir. Thank you. That's Mr. Santokh, he's the chairman of NCPA. He's the presenter of Mughal Azam. For you. बहुत खुश, बहुत खुश और बहुत थक गया दोनों. But it's a great production. I'm sure you'll enjoy it, all of you. It's taken a lot of rehearsals, a lot of lighting, designers. Manish Malhotra ka gowns hai aur idhar NCPA mein itna splendid production to maine hi dekha hai. Aap log ko sab log ko dekhna chahiye. You'll only get an idea if you see it. There should be many, many more halls than like ours. I'm answering her or you? Okay. All right. There should be many more halls than like the JBT. This is the National Center, which was built 30, 40 years ago. And it's a shame that India doesn't have equally good centers, particularly in the major cities of India. We are struggling to find space to take our big productions. And I think the time has come when culture is given a little bit of more importance than all the politics that we see on TV. It's a shame. Sorry, sir. Yes, बोलना है? सबसे पहले तो मुगल आजम से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या मेमोरीज थी, क्या पहली बार कब देखा था? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था जब रिलीज हुई थी, बट यस मैंने वो जब कलर्ड वर्जन आया था तो देखा था. एंड इट्स अ कल्ट एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा अगर आप हुए हैं तो मुगले आजम तो एक मस्त है और हम सब ने देखी है. और उस टाइम पे ऐसा सोचना
ऐसे यू नो ऐसे चीज़ों को परसीव करके उसको एग्जीक्यूट करना और इतने साल लगना उसको बनाने के लिए, आई थिंक इट इज़ अ मास्टर पीस। और कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो 50 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, 150 साल हो जाए, 200 साल हो जाए, बट यू ऑलवेज रिमेंबर फिल्म्स ऑफ दैट स्टैचर। आपको लगता है इस फिल्म का कोई रीमेक करना चाहिए? यार मैं पर्सनली आई लाइक रीमेक्स, बट ये पर्टिकुलर फिल्म का आई डोंट थिंक रीमेक बनना चाहिए, बिकॉज यू नो ताजमहल को तोड़ के ताजमहल का रीमेक नहीं बन सकता। सो मेरे लिए ये मुगले आजम इज़ लाइक ताजमहल। बट येस यू नो दूसरी फिल्मों का बनता है कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट में, इट्स नाइस, बट आई फील मुगले आजम का रीमेक नहीं बनना चाहिए। आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ ह्यूज ह्यूज फैन ऑफ फिरोज अब्बास खान साहब एज अ डायरेक्टर, एज अ यू नो मैं फारूक साहब से बहुत क्लोज था यंगिस्तान के समय में, तो उन्होंने वो जो वो दे यूज़ टू डू अ प्ले जहाँ पे वो रीड करते थे लेटर्स, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो तब से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड मैं उनके पास एक्टिंग लेसन्स भी बहुत बार लेने गया हूँ। सो जब उन्होंने बताया कि हम ये कर रहे हैं, सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड आई ब्रोक इन माई नी, बट आई वॉन्ट माई नी ब्रेस एंड कम जस्ट फॉर दिस। Expectations, honestly, I just want to go there and have a good time because I know it will be outstanding, it'll be amazing, it'll be a masterpiece in itself, but mujhe jaake dekhna hai ki kya kiya. Aajkal har jagah Aidil Muntaqi controversy ki baat ho rahi hai, aapka kya kehna hai jis tarah se film phas gayi hai aur kya di ja rahi hai ki film release na ki jaye kyunki fawad khan. Dekhiye, I am a patriotic aur you know सोल्जर्स जो हमारे लिए करते हैं मैं उसको टोटली सपोर्ट करता हूँ, बट एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है तो वो लॉ उस समय से आगे होना चाहिए। अब मैंने अगर एक साल पहले कुछ किया तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ? सो आई अबाइड बाय द लॉ, बट दैट इज़ ओनली पॉसिबल फ्रॉम फॉर फ्यूचर। पास्ट आई कांट चेंज एंड इट्स अनफेयर दैट हाउ विल आई चेंज द एक्टर नाउ। सो इट्स अ वेरी इट्स अ टू वे यू नो इट्स एक तरफ खाई है दूसरी तरफ कुआ है, बट येस अगर मैं बोलूँगा तो आप लॉ पास करिए और पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपको सपोर्ट करेगी और आगे से किसी भी पाकिस्तानी एक्टर को या किसी पाकिस्तानी नेशनल को हम काम नहीं देंगे, बट जो पीछे हो चुका है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते ऑनेस्टली। सो आई सपोर्ट एदिल मुश्किल एंड आई सपोर्ट द सोल्जर्स। नो नॉट येट। हाँ जी ब्रांड्स गो बाय परसेप्शन, कभी परसेप्शन ऊपर होते हैं नीचे होते हैं, और जैसे आपके परसेप्शन ऊपर होते हैं आपको चार ब्रांड और मिल जाती है। थोड़ा परसेप्शन इट अफेक्ट्स, इट डजन अफेक्ट, एज लॉन्ग एज इट डजन अफेक्ट योर फैंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, बिकॉज ब्रांड्स भी इसलिए आते हैं क्योंकि आपके पास फैंस हैं। अगर फैंस सो आई ऑलवेज बिलीव एज एन एक्टर एज अ डायरेक्टर एज अ मेकर द ऑडियंस शुड बी विथ यू, दैट्स व्हाट आई बिलीव। खड़े हो जाइए जो नीचे बैठे हैं, गेट से फोटो लेने का क्या मतलब है? सर सिक्योरिटी थोड़ा ऑटो पीछे से शुरू करूं? सर क्या एक्सपेक्टेशन है आज के शो? बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। 5th अगस्त 1960 को मुगल आजम लगी थी मराठा मंदिर में, 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी। उसके बाद
2004 में इसका कलर वर्जन आया एंड लकीली मैं उस शो का कंपेयर था, ग्रैंड मास्टर था। और यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें मेरे वालिद साहब मरहूम मुराद साहब ने राजा मानसिंह का रोल किया था और मेरे मामू अमानुल्लाह खान साहब ने कमेंट्री दी थी जो शुरू में है, जीनत अमान के वालिद, मैं हिंदुस्तान हूं, हिमालय मेरी सरहदों का निगेबान है, गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। तो एक बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है इस फिल्म से। और अक्सर ये होता है कि पहले कोई भी प्ले होता है, प्ले पे फिल्म बनती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि पहले फिल्म आई है और उसके बाद प्ले हुआ है। तो नेचुरली एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं इस प्ले से। और दूसरी बात यह है कि उन्हीं प्रोड्यूसर्स ने, शाहपुर जी ने ये प्ले तैयार किया है, तो यकीनन बहुत अच्छा होगा। तो बस यही हम लोग देखने के लिए आए हैं, लेट्स सी क्या होता है। This is Mr. Dipesh Salgia. He's the he's from Shapurji Palanji, one of the main presenters besides NCPA. They are the ones who made this play possible. This play has been very expensive. Mr. Dipesh Salgia will give details. They're also the main producers of the original Mughal-e-Azam, and that time it was produced at a cost of $1.5 million. Dipesh. देखिए, एज़ फार एज़ शाहपुर जी कंसर्न है, शाहपुर जी के लिए मुगल आज़म इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट। ना अगर आप बात करते हैं 1960 के मुगल आज़म के लिए, तो इट वॉज़ वर्क ऑफ आर्ट फॉर अस। 2004 ऑल्सो वर्क ऑफ आर्ट फॉर अस, एंड वी वॉन्टेड कि प्ले भी एक आर्ट एक वर्क ऑफ आर्ट ही रहे। बट एट द सेम टाइम जो मुगल आज़म जब बात करते हैं, तो मुगल आज़म मतलब स्केल, ग्रैंडियर और बिगनेस की बात होती है। तो ये हमारा था कि इट शुड हैव अ स्केल ऑफ अ सिनेमा एंड अ सोल ऑफ अ थिएटर। But that was something that inspired us in making Mughal-e-Azam play. So it's very excited that first time a classic is made into a theater. It's a great experience, and we are all excited ki log bhi so chahe, aur we are looking all forward to all of that. See, Mughal-e-Azam originally we started around 1951, the first film. So agar 51 se agar count karein, so I think we are almost more than 60 years. 65 years. So अगर कोई फैमिली का, कोई कंपनी का 65 years of association किसी है, एंड थर्ड जनरेशन नाउ, आई थिंक उससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती है। आई थिंक दैट समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर, मतलब दैट रियली कनेक्ट्स मी वेरी फास्ट कि एक फैमिली जो है 65 years से एक प्रोडक्ट के लिए एसोसिएटेड है और प्लस को आगे और बढ़ा रही है। तो एंड डिफरेंट फॉर्म्स में, सो इन ब्लैक एंड वाइट, फिर कलर और प्ले में। थैंक यू। Hi, good evening. Yeah. So, he's Mr. Vinay Jain. He's acted with Firoz Abbas Khan in many plays. He's a theater actor. So, you can ask him questions related to theater as well. Yeah? Sir, kya expectation hai aaj ke show se aur kya kehna chahenge film? Epic film thi aur play bhi musical play hai, kya kehna chahenge? Ye film Mughal-e-Azam matlab bahut hi ek special part hai hum sab ki lives ka. Aur फिरोज़ खान ने क्या किया इसके साथ, ये देखने को बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। मैंने फिरोज़ भाई के साथ दो प्लेस किए हैं, महात्मा वर्सेस गांधी, और जो उनका रीसेंट प्ले था डिनर विद फ्रेंड्स, पुलित्ज़र प्राइज़ विनिंग प्ले है। ऑलमोस्ट 150 शोज़ किए हमने, और उनकी फिल्म भी की है देख तमाशा देख, उसमें मेन रोल किया था मैंने। तो वो जो है, मतलब फॉर एन एक्टर ही इज़ अ ड्रीम टू वर्क विद फिरोज़ खान, और He's played a very special part in my life, and I know what an excellent actor he is. So मैं तो बहुत ही excited हूँ कि Mughal-e-Azam के साथ उन्होंने क्या किया है ये देखने के लिए। Thank you so much. Thank you. Thank you.
नहीं, मुगले आज़म तो मतलब एक एपिक फिल्म है और इसको रिस्टोर भी किया गया, इसको कलर में किया गया, उसके पीछे बहुत कहानियां हैं। के आसिफ साहब की कहानी है और बल्कि मैं जो फिल्म बना रही हूँ मंटो, उसमें भी के आसिफ का एक छोटा सा किरदार है और मुगले आज़म का मेंशन है। और उस रिसर्च करते वक्त मुझे पता चला कि एक्चुअली उन्होंने नरगिस को पहले चूज़ किया था और बाद में मधुबाला जी आई। तो मतलब आई एम क्यूरियस टू सी कि इसमें एक तरह से तो ब्रॉडवे का एक पूरा स्कोप है क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे है, तो मैं देखना चाहूँगी कि फिरोज़ ने किस तरह से इसको थिएटर में ढाला है। हम ऐसा माने कि आपकी फिल्म में मुगले आज़म की झलकियाँ देखने को मिली? नहीं, मंटो साहब जो थे वो तो 40s के थे, एक अलग दौर का था। पर के आसिफ ने बहुत वक्त लिया फिल्म बनाने में, तकरीबन ऑलमोस्ट आई थिंक 20 साल लिए। आजकल तो फिल्में सोचते हैं हम आइडिया और जल्दी जल्दी बन जाती हैं, बट उस ज़माने में मेरे ख्याल से बहुत मेहनत से, बहुत दिल से लोग बनाते थे और एक बहुत इंस्पिरेशन रही होगी बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। That's a whole different thing. Yes, but what would you like to say about, the kind of scenario? I just said it yesterday, all of it. I want to run in. Thank you. Okay, thank you. हाय, वो अभी एज इतनी ज़्यादा हो गई कि कब ये फिल्म देखी थी वो याद नहीं है, मगर बहुत बार देखी है एंड इनफैक्ट बहुत ऑफन देखी है एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। एंड मुगले आज़म, पाकीज़ा, आवारा, लॉट्स ऑफ यश चोपड़ा फिल्म्स आर माय फेवरेट फिल्म्स। एंड व्हेन द डायरेक्टर फिरोज खान एंड नम्रता एंड दीपा गहलोत फ्रॉम द NCPA जब वो मेरे पास आए इस प्ले के लिए, आई वॉज सो एक्साइटेड कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऐसी। एंड इट्स बीन एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस बिकॉज थिएटर फिल्मों से बहुत अलग होता है। यहाँ पे सब कॉस्ट्यूम्स एक साथ चाहिए एंड यहाँ डांसर्स के बहुत एलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स हैं। वी मेड अबाउट 500 कॉस्ट्यूम्स फॉर द प्ले एंड इट्स बीन अ वेरी, मैं 5 दिन से NCPA में रहा हूँ, आई हैव बीन वॉचिंग द रिहर्सल्स एंड कॉस्ट्यूम्स चेंज। और कॉस्ट्यूम्स का क्या है कि इसमें चेंजेस इतने फास्ट हैं कि हर कॉस्ट्यूम को वेलक्रो पे होना पड़ता है, फटाफट चेंज होने के लिए। तो इट्स बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस। थैंक यू।
पे मैडम लेफ्ट लेफ्ट साइड लेफ्ट लेफ्ट मैडम यहां पे मैम मैम लाइक Thank you.